मैंने गर्म पानी भी रख दिया जो मुझे घूमते फिरते गर्म पानी पीते रहना है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम माय ड्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से और नफा के रहम करम से मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ले रही हूँ सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक, आज थोड़ा बिजी हूँ और जल्दी से मैंने चावल भी चढ़ाना है फटाफट से, क्योंकि मुझे आज कहीं बाहर जाना है। तो चलिए फटाफट से काम कर लेती हूँ, और बाहर जब जाना है ना तो वहाँ जाते जाते आपसे बात करती हूँ बहुत सारा, ठीक है? जल्दी से पी लूँ। और हाँ, 32 बार को फॉलो कीजिए, अच्छे से कंटिन्यू रहिए, कोशिश कीजिए कि 32 बार ही हो, चीट मत कीजिए। सच में इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है मुझे, तो इंशाल्लाह आपको भी रिजल्ट आएगा। तो आप बिल्कुल घबराइए मत कि आपका वज़न क्यों नहीं कम हो रहा है, 32 बार हम नहीं फॉलो कर पा रहे। ये जो दिमाग में आपका है ना कि नहीं कर पा रहे, ये दिमाग से निकालिए प्लीज़, हो जाएगा। क्योंकि चबाना ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कुछ और करना है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, बस चबा कर खाना है, थोड़ा टाइम देना है, टाइम कंज्यूमिंग है बट बहुत अच्छा रिजल्ट इसका है, ठीक है? तो चलिए फटाफट से पी लूँ और इसके बाद निकलना है। चलिए फटाफट से चावल धो लूँ और उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी 2-3 पानी में, और जल्दी जल्दी से आज ना मुझे जल्दी खाना बनाना है, क्योंकि उसके पापा ना जल्दी आ जाएगी आज, तब बनेंगे पापा। चलिए फटाफट से खाना चढ़ा दिया मैंने। तो गाइस अभी मैं निकल चुकी हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए। तमन्ना का जो इलाज चल रहा था, ब्लड टेस्ट हुआ था, सोनोग्राफी हुआ था, उसका आज रिपोर्ट दिखाना है डॉक्टर को। आज उनका अपॉइंटमेंट मेरा था और मेरे ध्यान से एक्चुअली निकल गया था, गोवा से आने के बाद मैं भूली गई थी, तो फिर पता चला कि हाँ आज का डेट था। तो फटाफट से मैंने सिर्फ चावल बनाया है और मैं यहाँ से निकल गई हूँ, अभी रिक्शा पकड़ लिया मैंने। तो आज का वेदर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। ये टाइम पे बेसिकली मैं घर से बहुत कम निकलती हूँ, क्योंकि खाना बनाना रहता है, बच्चों को संभालना रहता है, मुझे खुद को नहाना रहता है, तो मैं इस टाइम पे कभी बाहर नहीं आई हूँ। आज जब आई हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना खूबसूरत नज़ारा देख कर ना मेरा दिल ऐसा खुश हो रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये हमारे जो है तमन्ना के स्कूल के जाने का रास्ता है, हमारा जो घर से ये मेन रोड है, और यहाँ पर हमेशा मतलब इतनी चहल पहल रहती है ना, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे खाली खाली लग रहा है। आई थिंक ये टाइम पर खाली रहता होगा, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं तमन्ना का डॉक्टर दिखाने के लिए। उनका उनके नाम का पर्ची यहाँ बनाना पड़ता है, तो डॉक्टर की पर्ची बनाने के लिए मुझे पहले पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद उनका पर्ची मिलेगा, फिर वो लोग टोकन नंबर देंगे, फिर उसके हिसाब से मेरा नाम नंबर आएगा। तो यहाँ पर टोकन मुझे लगभग 35 नंबर, मेरा टोकन नंबर 35 है, तो बहुत अभी वेट करना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं अभी कितना मतलब टाइम लगे। आई थिंक 2-3 तो बज ही जाएंगे, फिर भी कुछ कर नहीं सकते, वेट तो करना ही पड़ेगा ना गाइस बच्चों के लिए। नाश्ता लेने, हाँ पता है हम लोग यहाँ पहले भी आ चुके हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, चलो। ओके मम्मा, पेपर ले लिया है, नंबर आ चुका है, अभी उस टाइम पे अंदर जाना है, लेट्स गो। तो गाइस बहुत टाइम लगेगा हमें, 35 नंबर हमारा है, तो बच्चों को कुछ खिलाने लेकर आई हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों ने कुछ नाश्ता नहीं किया आज, घर से जल्दी निकल गई थी मैं, तो अभी दोनों को मैंने समोसा पाव दिला दिया था। यहाँ पे कुछ और ऐसा मिल नहीं रहा था हेल्दी, तो बस वही सोचा कि चलो इनको समोसा पाव खिला दूँ, और मैं भी अपने लिए कुछ ढूंढ रही थी बट यहाँ कुछ ऐसा मिला नहीं। मैं डाइजेस्टिव बिस्किट बोल रहा मतलब ढूंढ रही थी कि चाय के साथ ले लूँगी बट नहीं मिला, तो फिर मैंने एक और ब्लड टेस्ट के लिए बोला है, HbA1c का ब्लड टेस्ट है। सारे रिपोर्ट करने के बाद अभी और एक ब्लड टेस्ट, प्रॉब्लम है तो करना पड़ेगा ना। सबका प्राइस अपना ये रहा ना, ये 300 ओनली, ये 300 देखो जरा, ये देखिए मस्ती देखिए आप लोग भाई बहन का, तम आप गिरोगे। अरे बाल की हालत तमन्ना, ओह शिट लगा, इलाज कर रही है बेटी। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम,
कल वहाँ से मेडिकल से वहाँ से तमन्ना का रिव्यूपुर करके आने के बाद मुझे दोपहर में खाना हम लोगों ने बनाया नहीं, सिर्फ चावल बना था। तो तमन्ना के पापा ने थोड़ा कुछ सब्ज़ी लेकर आए थे, तो वो हम लोगों ने दोपहर में खाया, लगभग 3 बज गए हमें खाना खाते खाते, तो वो मैं सूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद गाइस मुझे इतना तेज़ बुखार चढ़ा कि मतलब कप्पे के साथ बुखार आया और अचानक से वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, उल्टी हो रही है और मेरी हालत एकदम उठने लायक नहीं थी। तो कल बिल्कुल भी मैं उठ ही नहीं पाई और पड़ी रही बिस्तर पे, खाना भी नहीं बना पाई, कुछ नहीं कर पाई। और बच्चों ने मेरा बहुत ध्यान रखा और डॉक्टर के पास मैं नहीं गई रात को, मेडिकल से बोलकर तमन्ना गई थी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए, तो उसके पापा को बोलकर उसने मेडिकल में बताकर मेरे लिए कुछ दवाई लेकर आई थी, तो वही लेकर रात को सोई। रात भर बुखार एक बार चढ़ रहा है फिर उतर रहा है, चढ़ रहा है एक बार उतर रहा है, ऐसा ही हो रहा था। तो इतना हालत ख़राब हो गया ना कल कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो कल की वीडियो मैंने एंड नहीं किया था तो आज मैं एंड कर लेती हूँ। तो गाइस अभी मैं खाना बना रही हूँ, आज थोड़ा सा मतलब ऐसा उठने जैसा हालत हो रहा है, तो जस्ट अभी मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सालन। मैं अपने लिए बना रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी और बच्चों के लिए और तमन्ना के पापा के लिए बना रही हूँ ये सब्ज़ी। फिश की बनने वाली है, ये रहा ये फिश है, आज यही बनेगा। मैं सोयाबीन की सब्ज़ी के साथ थोड़ा सा राइस लूँगी और तबीयत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, चक्कर आ रहा है, सर घूम रहा है मेरा, तो चलिए फटाफट से बना लूँ। और नाश्ते में मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि बिल्कुल पेट में भूख ही नहीं है, तो जो मूसली था ना उसको थोड़ा सा लेकर मैंने बस पानी पिया है। अभी जस्ट अभी उठी हूँ, अभी अमन ने मुझे खिलाया तो ही मैं खाई और उठी, अभी जस्ट उठी है। मैं खाना इसलिए बना रही हूँ कि हस्बैंड को 1 बजे खाना चाहिए, बच्चे भी भूखे रहेंगे, तो मैं सोच चलो कैसे भी। अभी भी मेरे आँख में ना बहुत तेज़ बुखार है ना, अभी भी हालत ख़राब हो रही है, तो कैसे भी मुझे खाना बनाना ही है। कल से बच्चों ने घर का खाना ठीक से ढंग से खाया ही नहीं, तो आज मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, कुछ भी करके मुझे थोड़ा सा खाना बनाना ही है उनके लिए। तो उनको खाना बनाकर अगर मेरा मन किया तो मैं खाऊंगी, नहीं तो सो जाऊंगी। तो चलिए फटाफट से बना लो। तो गाइस शाम हो गई, रात हो गई और दिन भर ना मुझे फिर से बहुत ज़्यादा बुखार था, बुखार उतर ही नहीं रहा था। तो मैं ना सोई थी और आज सेंटर भी नहीं गई, घर पे ही हूँ और बेडरूम में हूँ, तो अप्रेश ले रही थी मैं ताकि थोड़ा सा बेटर लगे, क्योंकि अप्रेश लेने से मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। तो बस कल से लेकर आज तक जो भी किया मैंने आप लोगों से शेयर किया है, आज के जो ब्लॉग है मुझे पता है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करोगे इस वीडियो में भी, तो जैसे बाकी वीडियोज़ में आप लोगों ने प्यार दिया है इसको भी ज़रूर प्यार दीजिएगा। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी, आई होप आप सबको पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बस अभी रखती हूँ, आज बहुत ठंडी है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो स्वेटर निकालना है सबके लिए। चलिए मैं आपको।